परासिया में मिलावट मुक्त अभियान के तहत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों से संबंधित दुकानों में जाकर सैंपल लिए और जरूरी दस्तावेजों की जांच की। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे मिलावट मुक्त अभियान के तहत परासिया में खाद्य तेल के गोदाम एवं मिठाइयों की दुकानों की जाँच की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी दुकानों में आवश्यक दस्तावेज की भी जाँच कर रहे हैं। इसी के तहत अनुविभागीय अधिकारी एवं एसडीओपी अनिल शुक्ला, नगर निरीक्षक सुमेर सिंह जगेत ने रेलवे स्टेशन के समीप किराना दुकानों पर पहुंचकर ड्रम एवं कुप्पियों से भरे तेल के सैंपल जांच के लिए निकाले और उन्हें सील कर दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात भी कही गई है। इसके साथ ही मिठाई की दुकान सहित अन्य जगहों के सैंपल भी जाँच के लिए लिए गए हैं। और खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारियों के साथ गोयल किराना स्टोर में राजस्थ उनके बनाए गए हालातों का संकलन कराई गई है। गोयल किराना स्टोर में प्रेम प्रतीक के नाम से तेल की पैकिंग की जाती है, उसकी भी सैंपलिंग कराई गई है। के आदेश अनुसार आज टीम का गठन किया गया है, जिसमें एसडी यूपी सर अनिल डीआई सर और अपने तहसीलदार सर अब सभी शामिल हैं और ये खाद्य पदार्थों की जांच के लिए जो मिलावट से मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसके तहत विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे कि खाद्य तेल है, किराना व्यवसायी है, मिठाई की दुकानें, होटल है, ढाबा, रेस्टोरेंट, सभी का आगामी दिनों में नियमित रूप से जांच कराई जाएगी और नमूने लेकर इसे जांच खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।